Dear children, let us come forth with the formation of p-n junction diode. p-n junction diode की formation के part पे मैं थोड़ा सा stress देना चाहूंगा, बाकी आपने आपको आता है, that's something very nice, very nice, very nice. पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज कौन सी टाइप की होती है? इम्प्योरिटीज कौन सी टाइप की होती है? बोलो पुत्र. नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. सुनिए फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा. आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा, बिकॉज वो ट्राइवेलेंट था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, उसमें नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटी आयंस हैं. ठीक है जी. सो पी टाइप आपका जो सेमीकंडक्टर है, इसमें बेटा इम्प्योरिटी आयंस जो हैं, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं बड़े. और अगर हम बात करें बेटे एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक उसने लूज कर दिया था, तो बाकी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा था. इट मीन्स कि उसमें जो इम्प्योरिटी आयंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी आयंस हैं. अब डियर चिल्ड्रन, हमने पी एन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन के लिए पी टाइप और एन टाइप जो दोनों क्रिस्टल्स हैं, इनको बेटे एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में प्लेस कर देना है. एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस अहेड ऑफ दैट. बेटा पी टाइप आपने जो आपका सेमी कंडक्टिंग मटीरियल है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इनको जब आपने डियर डियर चिल्ड्रन कांटेक्ट में रख दिया एक दूसरे के साथ, तो ये इमेजिन करिएगा, एक आपका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप. हमने सपोज किया ये मैं सबसे पहले इम्प्योरिटी आयंस बनाने जा रहा हूं. पी टाइप में आपके पास ये इम्प्योरिटी आयंस पड़े हैं नेगेटिवली चार्ज बेटा, और एन टाइप आपका जो है, इसमें डियर चिल्ड्रन जो इम्प्योरिटी के आयंस हैं, इनको मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं तो दीज आर द इम्प्योरिटी आयंस इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बेटा. हमने सबसे पहले ये इम्प्योरिटी के आयंस बनाए हैं, ये और कुछ नहीं. सेकंड स्टेप में बच्चों, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हमने किए थे लास्ट टाइम? होल्स. वेरी नाइस. तो एक होल, दो, इनके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास बेटे होल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, ये मेजॉरिटी कैरियर्स बन गए पुत्र. और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ये आपके मेजॉरिटी कैरियर्स इधर भी आ गए बेटा. देन डियर चिल्ड्रन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. बहुत बढ़िया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं, मैंने माइनॉरिटी कैरियर्स बना दिए इधर. वेरी नाइस, आपको तो सारा आता है, होल्स हो गए. अब जब आपने बच्चों इनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख दिया, इनके बीच में ये जो बाउंड्री थी, बाउंड्री तो होगी ना, एक पी टाइप है दूसरा एन टाइप क्रिस्टल है, जब आप इनको एक दूसरे के नजदीक रखोगे, कॉन्टेक्ट में रखोगे, आपने अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लॉज ऑफ डिफ्यूजन, आप जानते हैं कि जिधर मेजॉरिटी हो चार्ज कैरियर्स की, वो माइनॉरिटी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब इधर होल्स ज्यादा हैं, इधर कम है, होल्स फटाफट भागेंगे इस तरफ. हाँ हाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर कम है, इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने स्टार्ट हो गए बच्चों. और डियर चिल्ड्रन, पुत्र आप बताइए, होल को हमने कैसे डिफाइन किया था लास्ट टाइम? पुत्र होल, व्हाट इज ए होल? वेरी नाइस, वेरी नाइस, थोड़ा सा इसको पॉलिश कर देंगे. होल इज डिफाइंड एज ए सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज created by the departure of the electron. किसी जगह से इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके पीछे पॉजिटिव चार्ज रह गया, उसको आपने होल बोल दिया, है ना बेटे? अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से. ये मान लीजिए ये एटम है यहाँ पर,
इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी होल बच गया, ये होल बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसमें वापस आ गया। अब क्या हुआ, क्या पूरा हुआ? यस, इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन जब होल से मिलेगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल चार्ज तो हो गया, अदरवाइज क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी थी ना, जितनी एनर्जी आपने दी जब होल आपका वापस आ गया तो उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। और यस, यू कैन से समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे लोकलाइज्ड थोड़ा सा हीट होगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर, और उससे क्या होगा, आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपके ये बेटे देखो, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से इनके बीच में जो शार्प बाउंड्री थी वो तो हो गई खत्म, इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग नाउ। अब क्या फर्दर फ्लो ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कंटिन्यूड रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये देखो, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, सेट हो गया पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन की तरफ। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गेट्स डिवेलप्ड इन दिस रीजन। एक मुझे बात तो पूरी करने चाहिए यार, बात तो पूरी कर लें। अब आपका ये जो होल्स हैं ये भी चाहते हैं कि चले जाएं, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। अगर ये कोशिश करेंगे इधर जाने की, ये आगे एक पॉजिटिव चार्जेस काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड में बैठे हैं, ये उसको रिपेल कर देंगे, नहीं आने देंगे, राइट बेटा? अगर ये होल कोशिश करेगा इस तरफ शिफ्ट करने की, आगे आपका पॉजिटिव चार्ज बैठा है पूरे एटम पर, ये उसको नहीं आने देगा, रिपेल करेगा, और फर्दर फ्लो ऑफ द होल्स विल स्टॉप। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे इधर आने की, तो ये नेगेटिव चार्ज जिसकी एक दीवार बैठी है आगे, ये नहीं आने देगी इनको। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, यहाँ पर आपका एक डिप्लीशन लेयर आपने पढ़ा होगा कल, फिर जरूर वो बन जाया करता है, एक इसमें एक रीजन सेपरेट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। और डियर चिल्ड्रन, आप में से कोई बता सकता है कि डिप्लीशन लेयर के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आदित्य अवतर, आपको याद होगा हमने सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए बात की थी, सिलिकॉन में आपका 0.7 वोल्ट का और इसमें 0.3 वोल्ट का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हमारा हुआ करता है ना, कुछ हमने ऐसा डिस्कस किया था। अब डियर चिल्ड्रन, ये आपका जो डिप्लीशन लेयर है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स, इसकी थिकनेस माइक्रोमीटर्स में होती है। मान लो ये माइक्रोमीटर है अगर, तो इसको मैं अगर मीटर्स में कन्वर्ट कर दूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना? अब बच्चों आपने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, भूल तो नहीं गए? ओ पहले चैप्टर वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, ठीक है, इसको मैं खत्म कर देता हूं, डी वी को मैं लिख देता हूं V, ठीक है जी, डी आर को मैं लिख देता हूं ये थिकनेस डी, या एल लिख दूं, कुछ कहो आप ऐसे कर देते हो, चलो डी, आप डी से पूछ रहे हैं तो डी से, ठीक है जी। पहले कहाँ थे, पहले तो वो एटम थे, पहले तो आपके बेटे, जब आपका यहाँ पे एक होल पड़ा है, ये बिल्कुल इसके विसिनिटी में इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो तो ऑलरेडी इसके एटम के और इसके वो कॉम्बिनेशन के बाद ये दीवार बनी है, पहले तो वो बिल्कुल फेस टू फेस ही है, रेडी टू इंटरेक्ट। जब आपका यहाँ पे होल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस, और ये इलेक्ट्रॉन दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस क्रिस्टल, ये बिल्कुल आपके फेसेस पे ही पड़े हैं, वो इन पॉजिटिव और कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्जेस के बिल्कुल बेटे इस फॉर्म में आने से पहले रिकम्बाइन कर गए, इसके बाद फर्दर फ्लो रुका है। इस केस में आप इनकी वैल्यूज डाल दीजिए। अगर आप बात करोगे बेटा अपने सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए, अगर आपका ये सारा सिलिकॉन का बना हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, देन हमारे पास क्या होगा,
हम इसको -0.7 डिवाइडेड बाय 10 रेस पर -6 लिख देंगे। मैं साइन छोड़ देता हूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लूं, इट विल बी इक्वल टू 7 10 रेस पर 5 वोल्ट पर मीटर आपका बन जाएगा। इस केस में ये आपके पास जर्मेनियम के लिए इट विल बी 3 इंटू 10 रेस पर 5 वोल्ट पर मीटर। तो यू कैन इमेजिन ये 7 लाख वोल्ट पर मीटर है, 3 लाख वोल्ट पर मीटर। सच ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। ये फील्ड जनरेट होने के बाद रुकेगा फ्लो, ये पहले फील्ड था ही नहीं। आप बताइए पहले था होता नहीं था? जब तक यहां पर एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन, क्लियर कट सेपरेशन नहीं आ जाता, तब तक फील्ड अगर होगा भी, मैं मानता हूं दैट विल बी क्वाइट वीक, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। राइट बेटा? सो ये आप इस ये डिनोमिनेटर में जो पावर आ रहा है ना, इसी की वजह से फील्ड का हाई मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो इन दिस मैनर आपका फर्दर फ्लो जो है दैट कम्स टू एन एंड बेटा। क्लियर बेटे? अब फॉर्मेशन वाला पार्ट तो आपका बच्चों हो गया कंप्लीट। अब मैं थोड़ा साथ ही इसकी बायसिंग और प्रैक्टिकल दोनों चीजों की बात करूंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका कल या परसों जब भी पीरियड है, हम यही करने वाले हैं, पहला प्रैक्टिकल। राइट? आइए देखें इसको फर्दर मोर बेटे। आप इसकी बायसिंग आपने फिर स्टडी की, जैसे आप बोल रहे हो कल स्टडी किया होगा जरूर। आप क्या करिए, इस पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल आपका है, इसको अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपका बेटे सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। इस पार्ट को आप पी, इसको आप एन बोला करते हो। इट इज समथिंग लाइक दिस बेटा। अब आपने इसके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों स्टडी करने हैं। तो जब आप बेटे पी एन जंक्शन डायड इसको जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे, तो कनेक्शन लगाते टाइम आपने पी के साथ कौन सा टर्मिनल, एन के साथ कौन सा डियर चिल्ड्रन लगाया? नाइस, वेरी नाइस। पी इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एन इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर मैं सर्किट डायग्राम यहां पर एज सच बनाना चाहूं बेटा, दिस इज माय पीएन जंक्शन डायोड बेटे। और अगर मैं सिंपलेस्ट वे में इसको फॉरवर्ड बायस कर दूं, तो ये लीजिए आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। इधर दो सेल्स मीनिंग एक ही सेल लगाया जाता है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन बेटे जब आप प्रैक्टिकल करते हो, आपको करंट की भी जरूरत होती है, आपको वोल्टेज भी नोट करनी है, आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है वी और आई में, फिर आपको नी वोल्टेज वगैरह भी निकालना है। उस सारे के लिए आपको एमीटर, मिली एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों चाहिए होंगे। हाँ जी, रेजिस्टेंस हाँ, रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। हाँ जी ध्रुव जी, क्या कहते हो? हाँ जी, और भी हो जाएगा अभी। सो ये आपके पास बेटे पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट इसको कह देते हैं। ये चीज को कुछ इस तरीके से जब आप बना लेते हो, और आपने ये देखिए जी ये चीज हाँ ऐसे लगा दिया, बैटरी लगा दी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको बिकॉज करंट मेजर करना है, तो आप यहाँ पर मिली एमीटर, माइक्रो नहीं भाई, मिली मिली एमीटर लगा देंगे ऐसे। ये लग गया, मैं बताता हूँ बताता हूँ, 1 मिनट उस पर भी आ रहा हूँ, चिंता नहीं चिंता नहीं। और यहाँ पे आपने लगा दिया वोल्ट मीटर, बिकॉज आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी नोट करना है। बेटे जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, आपका सर्किट में करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, और वो ज्यादा होता है, इसलिए मिली एमीटर लगाते हैं। जब आप रिवर्स बायस करते हो, तो आपका सर्किट में जितना भी करंट है दैट इज ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, और वो थोड़ा होता है, दैट इज वाई माइक्रो एमीटर इज अडॉप्टेड ओवर देयर। सो यहाँ आपने ये आपका पी, ये आपका एन, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सारा सर्किट लग गया। ये इतना हिस्सा जो है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। वाई बिकॉज जब आप इस कॉन्टेक्ट को आगे पीछे एडजस्ट करोगे, तो आपका बैटरी का पोटेंशियल इसके अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा। जितना चाहिए होगा आप उतना ले लीजिए इधर से, बाकी छोड़ दीजिए। आप अगर यहाँ पे कांटेक्ट में रखे हुए हैं,
तो इतना आपका पोटेंशियल इतने हिस्से के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही लगेगा सर्किट में। अगर आप इसको कांटेक्ट को यहाँ पे ले आओगे तो सारा ही पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए जो आपने अरेंजमेंट बना दिया है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। अब इधर भी तो देखें कि हो क्या रहा है, असल में क्या हो रहा है। सर्किट तो हमने बना दिया, असल में जब आप इसको पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हो, इस रियल डायग्राम में आपके पास ये कुछ ऐसी चीज बन रही है, राइट जी। अब बेटे ध्यान देना, ये पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस जगह पर नेगेटिव आ गया ना। ये पॉजिटिव इन होल्स को रिपेल करेगा, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव। मान लो कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, आपने यहां से वोल्टेज बढ़ा दी, पहले 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट कर दिया आपने, मान लो इसका पॉजिटिव और बढ़ जाएगा, ये होल्स को और ज्यादा रिपेल करेगा। इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर होल्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो ये नजदीक आ रहे हैं, और एक स्टेज आएगी वो आपके डिप्लीशन लेयर को पंचर करके आगे चले जाएंगे। इन दैट केस आपका इलेक्ट्रॉनिक और होल करंट दोनों सर्किट में आ जाएंगे, टोटल करंट आपका आईई प्लस आईएच के बराबर, टोटल करंट आपका सर्किट चलने लग गया, मतलब पहले नहीं चल रहा था। और अगर इसी चीज को प्लॉट कर लिया जाए इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ, आप अलोंग दिस एक्सिस बी अलोंग दिस एक्सिस आई, बड़ी नोट करने वाली बात है बच्चों, पहले कोई करंट नहीं है जब आपने वोल्टेज कम रखी हुई है, बिकॉज आपके मेजोरिटी कैरियर्स डिप्लीशन लेयर को पंचर नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पंचर नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो लेकिन करंट आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। फिर आपने और बढ़ा दी, फिर नहीं आया। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट तक जब आप वोल्टेज पहुंचा देंगे, आपका डिप्लीशन लेयर क्रॉस हो गया, करंट ऐसे आ गया। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट के केस में राइज कर जाएगा। इस चीज को आप अगर ऐसे ऐसे कर लोगे तो ये आपको बेटे दे देगा नी वोल्टेज। नी वोल्टेज आपने पढ़ा होगा कल, ये राइट डियर चिल्ड्रन, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड सो दैट द डिप्लीशन लेयर अंडरगोज ब्रेक डाउन एंड द चार्ज कैरियर्स क्रॉस इजीली दिस लेयर एंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द होल करंट इन द सर्किट इज विजिबली नोटेड, राइट। अब बच्चों आपको फ्यू इयर्स बैक उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, जरा ध्यान दीजिएगा बेटे प्लीज। उन्होंने ग्राफ बना दिया आपको, क्वेश्चन पेपर में ग्राफ बना के दिया, इधर कुछ ऐसे वैल्यूज लिख के दी गुड़िया जी, इधर भी कुछ ऐसे वैल्यूज लिख के दी आपको, ठीक है, 2 4 5 कुछ लिखा होगा ऐसे। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क करिए, पी और क्यू। आप अपने पीएन जंक्शन डायोड जब वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, इसका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों रेजिस्टेंसेस निकाल के बताइए। दिस वाज द क्वेश्चन, और ये हमने प्रैक्टिकल में भी करना है। जब आप ये करोगे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट यहां तक करना है आपने, फिर आपको कहा जाएगा कि आप इसका स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस भी निकाल दीजिए। स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है जब आपका एक पॉइंट आप इसके ऊपर चूज कर देते हो, पी पॉइंट मान लीजिए आपने चूज किया, पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली वी और आई नोट कर लिया, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई एक खास वैल्यू पर। फिर 2 पॉइंट हमने लिए पी और क्यू, पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आई इतना, क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली आई इतना, ये डेल्टा ही आ गया, चेंज इन द करंट आ गया। इधर आ जाइए, ये डेल्टा भी आ गया, ये ट्रायंगल देख रहे हो ये वाली, इसमें आर डायनेमिक जो है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई की वैल्यूज डाल दो निकल आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है ये, पेपर में ध्यान रखना है आपको। और मुझे देख के बताइए स्टैटिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि डायनेमिक, स्टैटिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि डायनेमिक, क्यों? स्टैटिक ज्यादा होना चाहिए, डायनेमिक में देखो डेल्टा बी थोड़ा,
डेल्टा आई ज्यादा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, छोटी चीज को बड़ी से डिवाइड करोगे कम हो जाएगा. सो डायनेमिक रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक वन, ये चीज का ध्यान रखना है आपने. ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए. ये प्रैक्टिकल भी आपका कल वाला यही है, साथ ही करवा रहा हूँ मैं. ठीक है, इसके बाद बेटे हमारे पास है रिवर्स बायस. आइए दो चार मिनट इस पे भी लगा के देखें रिवर्स बायस में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते. रिवर्स बायस में इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनको ही बोलते हैं. ये जो आप बेटे सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप पीएन जंक्शन डाइट को फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हो, जो आप बी और आई में ये कर्व प्लॉट कर लेते हो, इसको बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डाइट अंडर फॉरवर्ड बायस. ठीक है जी, और जब आप रिवर्स बायस में बी और आई प्लॉट कर लेते हो, दैट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डाइट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन बेटा. तो आइए दो तीन मिनट उस पर भी लगाएं और देखें कि क्या हम करने वाले हैं. ये आपका पीएन जंक्शन डाइट, now this is reverse bias. In the case of reverse bias, what will happen? सबसे बिल्कुल ठीक, सबसे पहले तो आप ये बैटरी की पोलैरिटी बदलने वाले हैं, तो we will have negative on this side and positive on this side. So एक मिनट वेट कर लेता हूँ मैं, आप कर लीजिए. रिवर्स बायस में बेटे हमने क्या किया, आपका जो P है जैसे आप कह रहे हो इसकी पोलैरिटी बदल दी, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या करना है, माइक्रो एमीटर लगा देना है. नहीं करेगा, देखते हैं. आइए, माइक्रो मतलब कि माइक्रोन, वो तो बहुत छोटा हो जाता है, -11-12 के करीब होगी वो. हाँ, इसमें देखिए जरा बेटा रिवर्स बायस में, इधर देखिएगा रिवर्स बायस में हो क्या रहा है, असल में क्या हो रहा है. आपने क्या किया कि पी जो है आपका, बच्चों करें स्टार्ट भी पुत्र, आपने नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, इधर हमने बैटरी लगाई है, पहले सेल लगाया था ठीक है, और आपने ऐसे अटैचमेंट करने के बाद ये सर्किट को ऐसे सेट किया, जब ये ऐसे हो जाएगा ये नेगेटिव, इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. बच्चों ध्यान देना जरा, अंकिता अंकिता ही है ना, ये पॉजिटिव होल्स जो हैं इनको ये नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, ये सारी होल्स इधर जाना स्टार्ट कर देगी इधर को, बिकॉज ऑफ द अपोजिट नेचर ऑफ द चार्ज. ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेगा अपनी तरफ सबको, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना स्टार्ट कर देंगे. और एक मिनट बेटे मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस केस डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है, बड़ी हो रही है. पहले केस में जब फॉरवर्ड बायस था वो छोटी हो रही थी, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन द प्रीवियस डिस्कशन इन द प्रीवियस केस वॉज डिक्रीजिंग, दैट वॉज गेटिंग पंचर्ड, यहाँ पे वो बड़ी हो रही है. लेकिन अगर हम एक और पॉइंट पर ध्यान दें बेटा, तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स की तरफ जरा ध्यान देना. अगर आप वोल्टेज ज्यादा लगाओगे तो जितना ज्यादा ये नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इस पे लगेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव ऐसे कह लो. और ये इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा जरा, E into E is M into A, नेगेटिव साइन मैंने छोड़ दिया वो पहले चैप्टर वाला, F is equal to E into E, F is equal to M into A, कंपेयर कर दिया. एक्सेलरेशन इट इज E into E upon M, अगर साइन लगाना है लगा भी लो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये आएगा. अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 10 days पर -31 के ऑर्डर का है, वो जो -31 ऊपर आएगा तो +31 होगा, ये -19 उसमें से निकाल दो कितना बना, 10-12 पावर बची फिर भी. तो यू कैन वेल इमेजिन कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10 raised by 12 or 11 इतनी जबरदस्त एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को मिल रही है कि नहीं.
इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भागेगा, आई विल से जंप करेगा, जब जितने भी रास्ते में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, रास्ता खाली नहीं है, कोई पाइप थोड़ी कि जिसमें से जा रहा है, मेरी भी सुन दो ना, जब इलेक्ट्रॉन बड़ी हाई एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, रास्ते में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ता हुआ आगे जाएगा, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जितनी बार बॉन्ड्स को ब्रेक करता हुआ जा रहा है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, राइट? सो उससे क्या होगा, आपका करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा एकदम। और इस केस में आप जब बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की, रिवर्स बायस की, आपका ग्राफ ये राइज किया, ये करंट, ये वोल्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड बेटा एवलांच ब्रेकडाउन और ज़ीनर ब्रेकडाउन। इनमें फर्क पता है कि नहीं? केड़ा दूजा कौन सा बोल रहे हो? मैं एवलांच ब्रेकडाउन और ज़ीनर ब्रेकडाउन कह रहा हूं, मैं ज़ीनर। सुनिए मेरी बात, सुनिए बेटा, ज़ीनर ज़ीनर ब्रेकडाउन, बेटे सुन लो मेरी बात ध्यान से एक बार। ज़ीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, उस वोल्टेज के इंक्रीज की वजह से कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, चार्ज कैरियर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, करंट बढ़ गया। सिंपल, एक मिनट, आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ सारे बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड हैं, बने पड़े हैं। आपने वोल्टेज इंक्रीज की, वोल्टेज इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं उन पे फोर्स लगेगा, वो टूट जाएंगे बॉन्ड्स। जब वो टूटेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे और वो आपको करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स या ड्यू टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स दे देंगे, हो गया। दूजी एवलांच ब्रेकडाउन में अब क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन वोल्टेज आपने ज्यादा बढ़ा दिया, अब्रप्टली हाई एक्सेलरेशन से मूव किया, रास्ते में मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एटम पड़ा था, ये इसका इलेक्ट्रॉन है आउटर, ये आपका इलेक्ट्रॉन अंडर हाई एक्सेलरेशन आ रहा है, ये इसके साथ आकर कोलाइड किया, खुद तो जा रहा था, इसको साथ में ले गया, दो हो गए, एक से दो बन गए, रास्ता खाली नहीं है, और भी ऐसे एटम्स हैं, ये दो से चार बन गए बेटा, और आपके चार्ज कैरियर्स हरेक कोलिजन में मल्टीप्लाई होने लग गए, दिस इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। यस 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 यस, ठीक है जी। और डियर चिल्ड्रन, बिकॉज इस सर्किट में करंट सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, दैट इज वाई वी अडॉप्ट आवर माइक्रोएमीटर। इस केस में भी आप स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंसेस कॉरस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? एक मिनट आपका और लूंगा मैं। आपका फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स दोनों कंप्लीट हैं, सर्किट डायग्राम देख लीजिए, कल हमने ये प्रैक्टिकल भी करना है। इसमें आपको एक एडवांटेज रहेगा कि आपको ये कनेक्शंस लगाने नहीं पड़ेंगे, एक दो ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी लगे होते हैं, एक दो ऐसे हैं जिनमें आपको खुद जिसका इंटरेस्ट है कुछ करने का, वो वायर्स खुद जोड़ते भी हैं, आपको वायर क्लिप्स दिए जाएंगे, आप कॉरस्पॉन्डिंगली कर लेना। इसके बाद उन्होंने आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि और डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स कौन कौन से हमारे कोर्स में है। एक हमारे पास है LED, देन कर लिया था आपने कल की नहीं? नहीं किया है? एक मिनट, अच्छा रेक्टिफायर हो गगया था आपका, फुल वेव हाफ वेव दोनों हो गए हैं, थम्स अप फॉर यू। ब्रिज वाला उसको ही बोल देते हैं ना, फुल वेव को जब आप उसको क्रॉस कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ LED अब कर लेते हैं, हाँ ठीक है, बेसिक तो बता दो। आइए देखिए, नहीं बेटे नहीं, बंदी नहीं, मैम आपकी रूम की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी बेटे, प्लीज। सो
आइए देखें एलईडी, बेटी इनको प्लीज नीचे रख लो, मैं हमारे अच्छा नहीं लगता ऐसे। एलईडी फुल फॉर्म अगर हम इसकी देखें, दिस इज कॉल्ड लाइट अमिटिंग डाइट। ये बेटे आपका सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस डाइट है, जो आपका पीएन जंक्शन डाइट से थोड़ा डिफरेंट है। ये जब आप डिजाइन करते हो, आपको डोपिंग की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ती है। और ये बेटे जो एलईडी है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कलर की लाइट्स आपको देने के लिए बेटे जो है, ये काफी ज्यादा फेमस है। इसमें एक एक मिनट बेटे, मैं थोड़ा सुनो तो सही, ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डाइट से अलग कैसे है? मैं इतना ही करूंगा, आज आगे नहीं जाने वाला। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डाइट में क्या था, आपका होल था, होल में आकर इलेक्ट्रॉन गिर गया, एनर्जी रिलीज हो गई, दैट एनर्जी वाज गेटिंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आपका डाइट थोड़ा सा गर्म हो जाता है अगर आप हाथ से टच करो। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है, एनर्जी हीट की फॉर्म में नहीं निकलती, लाइट की फॉर्म में निकलती है। यही दोनों में फर्क है, अदरवाइज एनर्जी तो पुत्र एनर्जी है ना, इट विल बी इक्वल टू एच न्यू, चाहे वो केस हो चाहे ये केस हो। और इसको आप एच सी बाई लेमडा कह सकते हैं। जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें वेवलेंथ लेमडा विजिबल रीजन में लाई नहीं करता, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। और इसमें ये जो लेमडा है, इट इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, और इसी वजह से आप बेटे अलग अलग कलर की लाइट जो है वो देख पाते हैं। ये इनमें फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क क्या है, एलईडी ऑर्डिनरी डाइट से ऐसे भी अलग है कि ऑर्डिनरी डाइट में जो डोपिंग है उसका लेवल नॉर्मल होता है, इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग की जाती है, बिकॉज हमें हैवी या ज्यादा कंसंट्रेशन में चार्ज कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं, वहां पे वन पार्ट, एक मिनट बेटे सुनिएगा, वहां पे हमारी रेशियो थी वन पार्ट पर मिलियन। हो सकता है यहाँ पे वन की जगह पे वो टेन कर दें अकॉर्डिंग टू द नीड, या टेन की जगह 15 कर दें, तो इतना ज्यादा नहीं है कि आप माइनॉरिटी में वो कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको डोपिंग की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ती है। ये दो आपके मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, इनको माइंड में रखेंगे। फिर कल हम एलईडी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सोलर सेल्स हैं, एक हमारा है बेटा, इसके बाद बेटे सिंपली आपका जो है फोटो डायोड, वो भी करेंगे कल। आपका सिलेबस बाई ऑल मीन्स फिनिश्ड है बेटा। सो हाँ जी बेटे, थैंक यू बेटा, ऑनलाइन।